इनको सपोर्ट करेंगे तो भैया जल्दी से तरक्की कर पाएंगे। चले। तो मैं इनकी हेल्प करूँगा, छोटी सी मेरे पास माइक है वो मैं इनको दे दूंगा, मेरे यूज में भी नहीं आ रहा है वो, इनके यूज आएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलते हैं हमारी तो डेस्टिनेशन पे हम। तो हेलो एंड वेलकम गाइस फॉर द अनदर व्लॉग। गाइस आज मैं अभी सुबह सुबह बुकिंग पे निकला हूँ और उसके बाद मैंने बुकिंग ऑन की तो एक मेरे पास बुकिंग आई, तो उस बुकिंग को के पिकअप लोकेशन पे मैं पहुँचा तो उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दी वो बुकिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मैं अपना जो स्टिकर है ना, मतलब जो ये साइड ओनर प्लेट वगैरह होती है वो मेरा थोड़ा सा स्क्रैच सा हो गया, तो गाइज मैंने सोचा कि उसको मैं ठीक करा लूँ और उसके बाद फिर आगे बुकिंग पे जाता हूँ। तो मैंने बुकिंग मतलब उस बंदे के पास गया स्टिकर वाली दुकान पे, तो उन्होंने बोला भैया मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूँ, आप ये मेरा नंबर रख लो। और मैं ये देखिए उन्होंने कार्ड दिया है मेरे को अपना, देखो रोहन ग्राफिक, पीछे देखो फ्लैक्स वगैरह सब बनाते हो। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है भैया फिर कल, वो कह रहे व्हाट्सअप मुझे कर देना क्या तुम्हारा फॉर्मेट क्या रहेगा वो मुझे बता देना और मैं कल बना के रेडी रखूंगा। मैंने ठीक है भैया, फिर अभी देखो मैंने ऑनलाइन कर रखा है, कोई बुकिंग वगैरह आएगी तो वो उसके बाद मैं आपको आगे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि क्या है कैसे है क्या है कहाँ जाना है सब मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज वीडियो पे बने रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। तो फाइनली गाइज बड़ी देर के बाद मेरे पास एक बुकिंग आई है और उन भैया को लेके आना है यहाँ पर वजीरपुर की तरफ लेके आना है भैया को। ये भैया जब मैंने इनसे बात की तो ये मतलब शादियों में पार्टियों में वीडियोग्राफी का काम करते हैं, और मैंने इनसे और थोड़ी और डिटेल मांगी तो इन्होंने ये बताया कि इनका यूट्यूब चैनल भी है, प्रॉपर्टी हाउस जो होता है ना, मतलब जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये वीडियोज़ उस पर अपलोड करते हैं। तो चलिए भैया से बात करते हैं। हाँ तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेंद्र है और मेरा चैनल है हाउस इन NK के नाम से यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इन भैया के साथ मुझे ट्रिप करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं हम, और एक दो यूट्यूबर मिलते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और करना भी चाहिए। और हम लोग अब शूट का हमारा टाइम है, वेडिंग फोटोग्राफी का मेरा भी अपना जो है प्रोफेशनली वो वर्क जो है उस मैं करता हूँ। अब हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं तो भैया के साथ बड़ा अच्छा लगा बात करते हैं। इनको जो यूट्यूब चैनल है उनको आप सब्सक्राइब करें और इनको सपोर्ट करें, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अपने दिल से, तो सपोर्ट जरूर करें इसको प्लीज़। तो मैंने भैया के पास तो आइडियाज़ वैसे भी थे तो मैंने भैया को अलग से आइडियाज़ दिए। मैंने कहा भैया आप जैसे मतलब जो शादी में वीडियोस वगैरह बनाते हैं आप उसको आप यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं, जैसे आप एडिट करके सॉन्ग्स वगैरह डाल के आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं, आप विदाउट सॉन्ग्स के जो बिहाइंड द सीन होते हैं वो आप डाल सकते हैं और आप व्लॉग भी बना सकते हैं इसी चीज़ पर, क्योंकि आपका दूर दूर का ट्रिप होता है आप उसमें सब चीज़ बता सकते हैं। तो भैया को ये आइडिया अच्छा लगा और भैया ने कहा कि हाँ मैं इस चीज़ पर भी काम करूँगा। तो भैया इस चीज़ पर कब से आप काम करने वाले हैं? हाँ बहुत जल्दी, मेरे को एकदम बहुत अच्छा लगा इनका आइडिया, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इधर टूर पे जाता रहता हूँ, जैसे मसूरी, ऋषिकेश, जयपुर, आगे किशनगढ़ वगैरह, जैसलमेर और गोवा, इस तरह हमारी ट्रिप जो है लगते रहते हैं। तो ये आइडिया सही था कि हम बिहाइंड द सीन बना के डाल सकते हैं, लोगों को हेल्प मिलेगी कि हम किस तरह शूट करते हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया लगा और मैं इसको बहुत जल्दी स्टार्ट करूँगा, एक और चैनल में बनाऊँगा अपना, उसको जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करूँगा उस चैनल के साथ भी। चलिए और एक खुशखबरी की बात और थी कि भैया का आज ही जो है ना जो एडसेंस का पिन वगैरह जो आता है तो वो आज ही आया था। भैया ने बताया मेरे को कि आज ही, मैंने भैया से पूछा कि भैया मोनेटाइजेशन हो गया आपका, तो इन्होंने बताया कि आज ही उसका पिन आया है मेरे पास और गूगल एडसेंस का। भैया के 2100-2200 सब्सक्राइबर हैं और आप जाइए भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पीछे एक भाई बैठे हैं इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। भाई नमस्ते, कैसे हो भाई, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलकुश है सर। थोड़ा तेज बोलिए, हमारे सब्सक्राइबर को सुनाई नहीं दे रही आपकी वॉइस, थोड़ा आप आगे आ जाइए। आगे बोल। हेलो सर, कैसे हो? मेरा नाम दिलकुश है। तो आप भैया के साथ क्या करते हैं? मैं लाइटमैन का काम करता हूँ। ये मेरे असिस्टेंट हैं। ये लाइटमैन का काम करते हैं और ये भैया के असिस्टेंट हैं, मतलब काफी हेल्प करते हैं भैया की ये काम में। तो चलिए गाइज अब भैया को भैया के लोकेशन पे छोड़ते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब आगे का जो प्रोसेस रहेगा, आगे की जो वीडियो रहेगी हम वो आगे आपको दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो फाइनली गाइज हम लोग भैया की लोकेशन पे पहुंच गए हैं, आप देख सकते हैं ये सामने वो है बैंक्वेट हॉल, और अभी हम यहाँ पे उतरते हैं। और उसके बाद अभी एक और वो बात बताता हूँ, मैंने जब भैया ने मेरे को देखा कि मेरे पास माइक नहीं है, तो भैया ने कहा कि मेरे पास एक पुराना माइक पड़ा है जो कि वो उनके काम में नहीं आता, क्योंकि भैया के पास आईफोन है और वो एंड्रॉयड का माइक है। तो भैया कह रहे हैं मैं आपको माइक दे दूंगा, क्योंकि भैया की जो बुकिंग है वो मेरे घर के से थोड़ी सी दूर की ही बुकिंग थी भैया की। तो चलिए भैया को यहाँ से पहले बैंक्वेट पे उतारते हैं, उसके बाद भैया को बाय करते हैं।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं, भैया को सपोर्ट करें सारे, और आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो भैया जल्दी से तरक्की कर पाएंगे। चलिए तो मैं इनकी हेल्प करूँगा, छोटी सी मेरे पास माइक है वो मैं इनको दे दूंगा, मेरे यूज में भी नहीं आ रहा है वो, इनके यूज आएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, हमारी तो डेस्टिनेशन पर हम पहुंच चुके हैं, चलिए बाहर उतर के दिखाते हैं भैया को कहाँ पे आए हैं भैया। तो फाइनली गाइज उन भैया को छोड़ने के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को कंटिन्यू बुकिंग पे बुकिंग मिलती रही। गाइज मेरे को वीडियो बनाने का और एडिट करके अपलोड करने का भी समय नहीं मिला। तो गाइज मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब चलो, अब मेरे को लेट हो गया, अब मैं एंड में जब मैं फ्री होऊंगा तो गाइज मैं अब रात में जाके मैं फ्री हुआ हूँ, अब मैं वीडियो को जो बाकी, अब मैं क्या बताऊँ कि एट ए टाइम मेरे को जितनी भी बुकिंग मिल रही थी सब इमरजेंसी वाली मिल रही थी कि मेरे को इमरजेंसी में ले जाके छोड़ना था। तो गाइज मैं उसी हिसाब से फिर मैं जल्दीबाजी में उनको ले जाके जैसे जैसे करके छोड़ा, अब मैं जाके फ्री हुआ, अभी मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है। तो मैंने कहा कि अब वीडियो को एंड कर देते हैं और वीडियो को एडिट करके और अपलोड के लिए प्रोसेस में लगा देते हैं। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। गाइज आप लोग वीडियो लाइक तो कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने भाई को सपोर्ट करें कैब ड्राइवर ब्लॉग को। तो गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।